अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में 33 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 2 अवैध शराब फैक्ट्रियों पर छापा भी मारा गया है। अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों में पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित 6 टीमों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 50,000 के इनामी 3 मुख्य आरोपियों के साथ कुल 33 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अपराधी विपिन यादव एवं 2 प्रमुख अन्य अपराधी अजय चौधरी और मुनीश शर्मा, इनको गिरफ्तार पहले ही किया जा चुका है तथा अब तक जो है 2 बड़ी फैक्ट्रियां जो है पुलिस द्वारा सील भी की गई। गठित टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक ठेके के सेल्समैन, संचालक और दूसरे अभियुक्तों को भी निशानदेही के आधार पर 2 अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा गया। वहां से भारी मात्रा में शराब, रैपर, ढक्कन, बारकोड और दूसरे उपकरण बरामद किए गए। ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी जारी हैं। इन 3 प्रमुख अपराधियों के अलावा 30 अपराधी भी गिरफ्तार किए गए हैं। सीएमओ के अनुसार अब तक 84 शवों के पोस्टमार्टम कराए जा चुके हैं, जिनमें अब तक 35 की शराब पीने से मौत कंफर्म बताई गई है। बाकी शवों के विसरा जांच के लिए आगरा भेजा गया है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कभाना के सीओ कर्मवीर सिंह को शराब कांड में निलंबित कर दिया था। देवी गुलाम को तत्काल प्रभाव से क्षेत्राधिकारी कभाना नियुक्त किया गया है। डीजीपी दीपक कुमार ने बताया कि इस पूरे मामले में 11 FIR दर्ज की गए हैं और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। दीपक जी, मुझे जरा अभी तक जांच का पूरा वो बताइएगा, निचोड़ कहां तक जांच पहुंची है और आपने जितनी FIR दर्ज की हैं उसमें जो आरोपी हैं क्या सब गिरफ्तार हो चुके हैं या अभी भी कुछ मुख्य आरोपी हैं वो फरार हैं? ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये घटना हुई और उसी समय से पुलिस को जो ही पता चला और पुलिस लगातार एक्शन में है उसी दिन से, और जो लोग यहाँ शराब कार्टेल के मेन लोग थे, पुलिस ने तत्काल उसी दिन अनिल चौधरी और उसके गैंग के लोगों को, ऋषि शर्मा अभी हमारे पकड़ से बाहर है लेकिन उसके अन्य जो साथी थे उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभी तक कुल इस पूरे मामले में 11 FIR हम लोगों ने दर्ज की है और 33 आदमी को हम लोगों ने पकड़ा है। 33 लोग इसमें हम लोगों ने अरेस्ट हम लोग कर चुके हैं और इन लोगों का पूरा एक गिरोह था और इस गिरोह में यहाँ शराब बेचने का इन्वायरमेंट का जो काम करता था वो अनिल चौधरी और ऋषि शर्मा करता था, जिसके परिवार के लोगों के नाम से क्रमशः 13 और 8 ठेके थे जो इनके परिवार के लोगों के और नाम से थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।